उसके बाद अब जो आपके पास कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कौन से एंगल हैं? एलाइड एंगल्स हैं। अच्छा, बुक में आप लोगों के नाम तो नहीं लिखा हुआ, एलाइड एंगल्स के नाम से नहीं है, लेकिन मौजूद हैं बाकायदा। और 10.2 का पहला सवाल ही एलाइड एंगल्स पे है, लेकिन उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ। लेकिन फेडरल बोर्ड में जो बुक फॉलो की जाती है, पंजाब बोर्ड की जो बुक है, उसमें उन्होंने बाकायदा मैंशन किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। तो मैंने कहा वो टॉपिक समझा भी देता हूँ और फिर अपनी बुक पर भी आ जाएंगे कि अपनी बुक में क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि एलाइड एंगल्स होते क्या हैं। एलाइड एंगल्स एक ग्रुप ऑफ एंगल्स होते हैं जिनमें किसी भी, अगर आप दो एंगल्स को पिक करो, एक ग्रुप ऑफ एंगल्स है जिसमें किसी भी दो एंगल को अगर आप पिक करो, उनको आपस में ऐड करो या उनको आपस में सबट्रैक्ट करो, रिजल्ट अगर आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 आए तो उसको हम बोलेंगे वो एलाइड एंगल्स हैं। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, फिर -1, -2, -3। मतलब अगर नंबर लाइन पर बनाऊँ तो इस तरह बनाते हैं, ये 0 हो गया, 1, 2, इसी तरह -1, -2। तो ये पूरे नंबर जो हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी दो, एक ग्रुप ऑफ एंगल हैं उसमें से किसी भी दो को पिक करो, उनको आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, और रिजल्ट आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 आए, जैसे 90 × 1 90 डिग्री होता है, 90 × 2 180 डिग्री, या फिर 270 डिग्री। इंटीजर 0 भी होता है, अगर सम और डिफरेंस 0 आए तब भी वो एलाइड एंगल होंगे, नेगेटिव भी हो सकता है, -90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है आपके पास, बस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होना चाहिए। तो उन ग्रुप ऑफ एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एलाइड एंगल्स बोलेंगे। अब मैंने एग्जांपल दी हुई है, अब इसमें से आप लोग किसी भी दो एंगल को पिक कर लो और उनको आपस में ऐड करो, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं आ रहा तो सबट्रैक्ट करो, लाजमी आ जाएगा। जैसे अगर आप 40 और 50 को आपस में ऐड करो, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो आपके पास क्या आ रहा है? 90 डिग्री, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 बल्कि खुद ही 90 है। तो इसका मतलब है ये दोनों एलाइड एंगल्स हैं। 40 और 130 को ऐड कर लो, 40 प्लस 130 डिग्री, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 170 डिग्री। अब 170 डिग्री जो है वो कोई इंटीग्रल मल्टीपल है ही नहीं 90 का। देखो 90 और 1 से मल्टीप्लाई करो 90, 90 को 2 से करो तो 180। तो उसका मतलब है इन दोनों को ऐड ना करो आप। डेफिनेशन क्या कहती है? या तो ऐड या सम, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इनको आप ऐड नहीं करो, इनको आप सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट किस तरह करोगे? 40 − 130 कर लो या 130 − 40 कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा इतना। इंटीजर -1 भी है वो भी है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर आप 40 − 30 डिग्री करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा? -90 डिग्री आ जाएगा। बात एक ही रहेगी, इधर 1 मतलब 90 डिग्री से अगर मैं लिख दूँ कि 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1, 1 आपके पास क्या है? इंटीजर है। हमने बोला था कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 आना चाहिए, तो 90 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो वो इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 90 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। बात तो एक ही है, एट द एंड ऑफ द डे वो एलाइड एंगल ही माना जाएगा। इसी तरह कोई भी दो और एंगल पिक करो, लेट्स से 230 और 50 को पिक कर लेते हैं, तो 230 प्लस 50 अगर आप करोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? 280। और 280 कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है 90 का, इसका मतलब है इनको ऐड नहीं करो, सबट्रैक्ट कर लो। 230 डिग्री -50 डिग्री करो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है इंटीग्रल मल्टीपल 90 का, क्योंकि 2 × 90 डिग्री करोगे तो आपके पास 180 डिग्री आता है। उसके बाद आखिरी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, 220 को 130 में लेट से ऐड करके देखते हैं। 220 प्लस 130 डिग्री क्या आएगा आपके पास? 350 डिग्री आ रहा है, और 350 डिग्री कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है 90 का, इसका मतलब है इनको ऐड ना करो, सबट्रैक्ट करके देख लो। 220 डिग्री -130 डिग्री, और ये आपके पास होता है 90 के बराबर, इसका मतलब है एलाइड एंगल्स है। तो एलाइड एंगल्स वो सारे ग्रुप ऑफ एंगल हैं कि जिनको अगर आप ऐड करो या अगर ऐड से नहीं बनना सबट्रैक्ट करो, ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद अगर इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब है वो एलाइड एंगल है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है एलाइड एंगल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सब को अगर आप ऐड करो, सब को अगर आप सबट्रैक्ट करो तो 90 डिग्री का मल्टीपल आना चाहिए, नहीं। अगर सम की वजह से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी वो एलाइड है। अगर सबट्रैक्शन की वजह से आ रहा है तब भी वो एलाइड माना जाएगा। ये तो हो गया एलाइड एंगल के बारे में। अब एलाइड एंगल ये जो मैंने लिखे हुए, ये मैंने कहाँ से लिखे हैं, मैंने कैसे बनाए हैं, इनको देख लो। कोई भी एक्यूट एंगल ऐड कर लो, जैसे 40 किया हुआ था ना मैंने, 40 कर लेते हैं हम।
अब अलाइड एंगल मतलब कैसे अलाइड एंगल आप जनरेट करोगे, 90 डिग्री के मल्टीपल ऐड करते जाओ। 40 के अंदर सबसे पहले 90 डिग्री ऐड करो, फिर 90 का एक और मल्टीपल क्या है 180, वो ऐड कर लो, फिर 90 का मल्टीपल 90 × 3 आपके पास 270 डिग्री होता है। इस तरह ऐड करते जाओ, रिजल्ट में जो आपके पास आ रहा होगा सब अलाइड एंगल होंगे। वो 40 डिग्री ये हो जाएगा, 130 डिग्री ये हो जाएगा, 220 डिग्री और ये हो जाएगा 310 डिग्री, चलते जाएंगे इस तरह। ये तरीका करने का, अभी आपने क्या किया ऐड किया है, सबट्रैक्ट करने से भी आ जाएंगे आपके पास। अच्छा अब आपकी मर्जी है, आप 40 माइनस इंटीग्रल मल्टीपल करो, या मतलब मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, आप इस तरह कर सकते हो 40 डिग्री, अब माइनस करने लग जाओ 40 माइनस 90 डिग्री, या आप लिखो 40 माइनस 180 डिग्री, 40 माइनस 270 डिग्री, ये क्या होगा 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस 140 डिग्री और ये है माइनस 130 डिग्री। इस तरह माइनस करते जाओ, आपके पास अलाइड एंगल्स आते रहेंगे। एक तो आप इस तरह माइनस कर सकते हो, या आप इसको दूसरे तरीके से माइनस कर लो, 40 माइनस 90 ना 90 माइनस 40 कर लो, इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो तब भी आपके पास ये वाली चीज़ आ रही है। तो अगर आप देखो ये दोनों सेम ही है, बस साइन का, अच्छा ये 130 नहीं होगा 230 होगा सॉरी। तो अगर आप इनको और से देखो तो ये सेम ही है, बस साइन का फर्क है, ये माइनस 50 ये 50 है, माइनस 140 230 है। तो ये जो मैंने लिखे हुए थे ना इन सबको मैंने कंबाइन किया हुआ था, जैसे इधर था 40 डिग्री, इधर से मैंने ले लिया 50 डिग्री, फिर था यहाँ से मैंने ले लिया 130 डिग्री, फिर यहाँ से ले लिया 140 डिग्री, फिर यहाँ से लिया 220 डिग्री, यहाँ से लिया 230 डिग्री और मैं इस तरह ये जनरेट कर लिए थे मैंने। इसके आगे आप 310 डिग्री है और हाँ उधर भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये आपके पास सारे अलाइड एंगल हैं, इस तरह इनको आप जनरेट करोगे और नेगेटिव भी हो सकते हैं, माइनस 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये भी सब आपके पास क्या होंगे अलाइड एंगल्स होंगे। 40 को अगर आप इसके अंदर ऐड करोगे, ये पूरा ग्रुप है ना एक, तो इस पे डेफिनेशन वैलिड होनी चाहिए। तो अगर आप 40 को इसमें ऐड करोगे माइनस 40 में तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। जीरो इंटीजर है ना एक, अगर जीरो को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट में आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 आना चाहिए, मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है वो 90 से कोई नंबर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर आप 40 माइनस 40 करोगे मतलब 40 को इसमें ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा होगा, जीरो, और जीरो का आप इस तरह भी लिख सकते हैं। किसी और को ऐड कर लेते हैं, लेट्स से 40 को हम ऐड कर लेते हैं माइनस 220 डिग्री के अंदर। जो 40 को आप माइनस 220 डिग्री के अंदर ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 180 डिग्री, और जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है 90 का, माइनस 2 को अगर आप 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करो। तो इसी तरह ये आप लोग खुद कर लेना, मेरा काम था सिर्फ बताना, ये प्रैक्टिस में आप लोग खुद बैठ के कर लेना कि अलाइड एंगल कैसे बन रहे हैं क्या हो रहा है। बस दोबारा एक दफ़ा समअप कर दूं मैं कि बोल क्या रहा हूं मैं, कि एक ग्रुप ऑफ एंगल्स हैं, उनको अगर आपस में आप ऐड करो, अगर ऐड करने से नहीं आ रहा तो सब्ट्रैक्ट करो, किसी ना किसी से आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिजल्ट जो आपके पास आए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए, 90 के मल्टीपल होने चाहिए। और कौन से मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 90 मल्टीप्लाई 1 90 मल्टीप्लाई 2 या नेगेटिव में आप चले जाओ 90 मल्टीप्लाई 0 90 मल्टीप्लाई माइनस 1। रिजल्ट को आप बस इस फॉर्म में लिख पाओ, बस जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 हो, इस फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है ये सब लिखे हुए, तो उसका मतलब है वो ग्रुप ऑफ एंगल सारे अलाइड एंगल्स हैं। अब बस आखिरी चीज़ है, अब बुक पे आ जाते हैं, ये है थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने पंजाब बोर्ड से उठाया था। अब आ जाओ बुक पे, जो बुक में आपके पास लिखे हुए एंगल्स वो कौन से अलाइड एंगल्स हैं। देखो यही एंगल्स हैं, बस इनको जनरल फॉर्म में उन्होंने लेट कर लिया। जैसे शुरू में मैंने एक एक्यूट एंगल लेट किया था ना 40 डिग्री, तो एक्यूट एंगल को आप लेट कर लो, एक मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप एक्यूट एंगल लेट कर लो थीटा, ठीक है। इधर आपने क्या किया था, एक्यूट एंगल में 90 के मल्टीपल ऐड करने लग गए थे, मतलब 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा,
इधर आपने क्या किया था, इधर आपने माइनस कर दिया था, ये थीटा था और आपने माइनस कर दिया, ये हो जाता थीटा माइनस 90 डिग्री, थीटा माइनस 180 डिग्री, थीटा माइनस 270 डिग्री। इस वाले केस में क्या किया था आपने, दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई किया था, मतलब आपने क्या किया था 90 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर इसको आप जनरल फॉर्म में लिखो तो ये आपके पास एलाइड एंगल है। इनमें किसी को भी आप आपस में ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इंटीरियर मल्टीपल ऑफ 90 आएगा। जैसे अगर आप 90 प्लस थीटा और थीटा माइनस 90 को ऐड करो, 90 प्लस थीटा प्लस थीटा माइनस 90, इन दोनों को ऐड करो तो माइनस 90 से माइनस 90 कैंसिल और थीटा प्लस क्या 2 थीटा हो जाएगा, जो कि एलाइड एंगल नहीं आ रहा क्योंकि रिजल्ट में आपके पास एक इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए। तो ऐड करने से तो बात नहीं बन रही, आप क्या करो सबट्रैक्ट कर दो इसको, 90 प्लस थीटा माइनस ये हो जाएगा और इसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, साइन कह रहा हूँ साइन। अब आप देखो थीटा से थीटा कैंसिल, 90 प्लस 90 180 डिग्री और 180 डिग्री इंटीग्रल मल्टीपल है 90 का। तो ये सारे जो जनरल फॉर्म में मैंने लिखे हुए 360 तक आमतौर पर किया जाता है, जो आपकी बुक में भी 360 तक है। तो ये सारे ग्रुप ऑफ एंगल जो हैं ये सबको हम एलाइड एंगल्स बोलेंगे।